बीजेपी में आज अलग अलग दलों के कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और इस वक्त मेरे साथ राजपाल सैनी जी हैं, जो कि आरएलडी नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। राजपाल जी, आज आपने बीजेपी का दामन थामा, सबसे पहले तो वजह जानना चाहूंगा। आपका नाम? योर गुड डे। मेरा नाम अविनाश है। अविनाश जी, अविनाश जी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीति देश के लिए है, गरीब जनता के लिए है, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, किसान निधि है, और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तीसरी शक्ति के रूप में उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी सभी कार्यक्रमों से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने जो कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की है, उन्होंने जो गुंडागर्दी का राज खत्म किया है, उन सब बातों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। पहले गांव में, देहात में, किसान में, क्योंकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, किसान का बेटा हूं, किसान हूं, देहात में बिजली नहीं मिला करती थी, परेशान हुआ करते थे लोग। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, सब किसान खुशहाल हैं। और एक टाइम ऐसा भी था अविनाश भाई कि जब रात को बिजली आती थी तो 10-10 किसान लोगों का झुंड बनकर अपनी ट्यूबवेल चलाने के लिए जाता था। आज वो अकेला जाता है, बेखौफ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। रात में जाओ, दिन में जाओ, किसी टाइम घर से बाहर निकलो, कोई परेशानी नहीं है, बेखौफ हैं, निडर हैं। और प्रदेश में एक एहसास हो रहा है कि हम स्वतंत्र रूप से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप आरएलडी के कद्दावर नेता माने जाते थे, हाल ही में आरएलडी को लेकर यह खबर थी कि एनडीए में वो शामिल हो सकती है, हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं, आपके आने से क्या माना जाए कि आरएलडी को कितना नुकसान होगा पश्चिमी? ये बड़े नेताओं का काम है, बड़े नेता जो निर्णय लेंगे ये उनके ऊपर है कि वे क्या निर्णय लेते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझ कर। ठीक है, तो मेरे साथ थे राजपाल सैनी, जो कि आरएलडी के पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। वीडियो जनता बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।